जालौन मेट्रो से मैरिश में पानी। खबर जालौन से। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना। सदर विधायक ने लगाए थे राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तथा स्टाफ पर गंभीर आरोप। लखनऊ में उच्च अधिकारियों और जिम्मेदारों से की थी शिकायत। डीजीएमई के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में आई टीम ने किया था निरीक्षण और विधायक के आरोपों को एक सिरे से किया था खारिज। सदर विधायक ने किया पलटवार और जांच टीम पर भी लगाए गंभीर आरोप। दोनों के बीच हो रही रस्साकसी के बीच देखें खास रिपोर्ट जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। ये बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। जहां सदर विधायक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तथा स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। लखनऊ में उच्च अधिकारियों और जिम्मेदारों से इसकी शिकायत की गई थी। डीजीएमई के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम पहुंची और निरीक्षण किया और विधायक के आरोपों को एक सिरे से खारिज किया था, लेकिन सदर विधायक ने पलटवार किया और जांच टीम पर भी गंभीर आरोप लगा दी। देखिए यह खास रिपोर्ट जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। जनपद जालौर में इन दोनों राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंध समिति और सदर विधायक के बीच का विवाद तो मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं कि असली मामला क्या है, मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई से जो करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है और उसमें जो है लगातार शिकायतें इस बात की आ रही थी कि मरीजों और डॉक्टर स्टाफ के बीच में आए दिन मारपीट होती है या उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है या बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको लेकर जो है सरकार की छवि को बट्टा लग रहा है। इसी बात को लेकर सदर विधायक उरई गौरी शंकर वर्मा ने इसकी शिकायत विधिवत जो है लखनऊ में की थी। वहाँ से एक समिति बनाई गई थी और उसमें डीजीएमई में के एडिशनल डायरेक्टर मुकेश यादव को इस समिति का जो है लीडर बनाकर यहाँ पर जाँच के लिए भेजा था ताकि जांच की जाए असलियत क्या है और इसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित वहाँ पर प्रोसेस की जाए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जब यहाँ आए हैं उन्होंने जांच की है, जांचों के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो गलत पाई गई हैं क्योंकि सदर विधायक ने अपनी वोट बैंक की खातिर ये सारी शिकायतें की थी। इसी सब बातों को लेकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बताया था कि यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो गलत है। विधायक के आरोप, पहले तो आप विधायक के आरोप सुन लीजिए, विधायक ने आरोप क्या लगाए थे। विधायक का कहना ये था कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको और जो प्रशिक्षु चिकित्सक हैं उनको वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं जो सरकार द्वारा इनको दी जाती हैं। प्राचार्य के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि प्राचार्य हफ्ते में महज दो दिन यहाँ पर देते हैं, बाकी का पूरा हफ्ता वो कानपुर स्थित अपने स्वराज मेडिकल कॉलेज है, उनका अपना खुद का एक चिकित्सालय है, वहाँ पर वो समय देते हैं और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी जो है हफ्ते में एक या दो दिन ही समय देते हैं, इसके बीच में वो अपना समय नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि इमरजेंसी केसेस में या कुछ और बातों में प्रशिक्षु जो चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं उनमें और मरीजों में, मरीजों के तीमारदारों में अक्सर लड़ाई होती है और सही से उनकी व्यवस्थाएँ नहीं मिल पाती हैं। ये आरोप थे विधायक, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा के। इस पर जो डीजीएमई के जो एडिशनल डायरेक्टर आए थे मुकेश यादव, उन्होंने कहा कि इन पर जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना ये था कि ये सारे आरोप निराधार मिले हैं, इस पर एक भी जो है सत्यता नहीं पाई गई है। यानी उन्होंने विधायक द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वोट बैंक की राजनीति के तहत ये पूरा का पूरा जो है उनको बदनाम करने का प्रयास। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमने फिर विधायक से बात की तो विधायक का कहना ये था कि मुकेश यादव, उन्होंने खुद जो डीजीएमई के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे यानी जो टीम के लीडर थे उन पर आरोप लगाए कि वो जब बांदा में थे तो उनको उनके आचरण, गलत आचरण के चलते उनको वहाँ से हटाया गया था। यानी कि खुद उन्होंने उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही है कि इसकी शिकायत वो फिर से जाके सदन में जो है अपने जो माननीय सदन नेता हैं उनसे करेंगे और इसके जो स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी हैं, जो आला मुखिया हैं उनसे करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अवगत कराने की बात कही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सदर विधायक और मेडिकल प्रबंध तंत्र के बीच की जो लड़ाई है इसमें आम जनता को क्या मिलने वाला है या क्या उसके हाथ से जाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आ रहे हैं उससे लगातार जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरी हैं, क्योंकि लगातार दो तीन तस्वीरें हमारे पास भी ऐसी आई हैं जहां पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं लोगों को मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं क्या अभी भी वो लोगों को मिल रही हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है, जवाब आने अभी बाकी है। क्या पाया, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या पाया है सर निरीक्षण के दौरान अभी तक? तो मैं पर्सनली जो है कि मैं सेटिस्फाइड हूं,
क्योंकि कोई भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज दो चीज़ों से चलता है, एक वहाँ के विद्यार्थी इनका एडमिशन होता है, अगर वो एडमिशन हो रहे हैं और वो पास होके निकल रहे हैं और पीजी में उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पढ़ाई ठीक है। दूसरा होता है मरीज, हमारे यूजर दो ही हैं, अगर मरीज नंबर तो मरीज हैं ज़्यादा तो होंगी, लेकिन क्या वो मरीज सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से जो भी अवेलेबल है, और रात दिन में कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं हो सकता। सर जैसे जहाँ तक हमारा मानना कि एक जनप्रतिनिधि है जो हमारे बीच का चुना हुआ विधायक है, पब्लिक उसको चुनती है, इतना बड़ा मतलब जो विधानसभा में बैठता है वो सभापति से सीधे शिकायत कर रहा है, तो कोई तो आधारभूत उसका रहा होगा, हवा में तो वो शिकायत करेगा नहीं। नहीं देखिए, जैसे एक एक पॉइंट को अगर हम लोग लें तो ज़्यादा जी, जी 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 वो जनप्रतिनिधि हैं और उनका अधिकार, क्योंकि उनको पब्लिक ने जो इलेक्ट किया है कुछ आशाओं के साथ किया होता है, और वो आशाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो ऑब्वियस है कि जब भी इलेक्शन होगा तो उनको नुकसान होगा, सरकार की छवि को भी नुकसान होता है। तो वो अपने अब चूँकि बहुत सी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, आप भी जो लिख रहे हो गए बहुत से, आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उसका मतलब कितना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं डॉक्टरी की भाषा बोल रहा हूँ तो डॉक्टर साहब आसानी से समझेंगे, आप शायद उतना उस चीज़ को नहीं समझेंगे। मैंने प्रगण समिति की बैठक में वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख सचिव और अधिकारी थे, वहाँ मैंने अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई की जो जन समस्याएँ थीं उन समस्याओं को बिंदुवार वहाँ रखा था, और ये कहा था कि मेरी राजकीय मेडिकल कॉलेज विगत 10 वर्षों से करोड़ों रुपए की लागत से बनकर खड़ा है, वहाँ जनता को सुविधाएँ जो मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रही हैं। मैंने कहा उनसे कि वहाँ जो कंपोनेंट राजकीय महाविद्यालय है उसमें 70% डॉक्टर एससी वर्ग के आते हैं, वहाँ उन छात्रों को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर नियुक्त हैं वो वहाँ सप्ताह में एक दिन से ज़्यादा रहते नहीं हैं और बाहर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको सुनिश्चित करके उनको छात्रों को पढ़ाने के लिए उन प्रोफेसरों को वहाँ रोकें। और मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य सप्ताह में 2 दिन ही रुकता है और 6 दिन स्वराज नर्सिंग होम नाम का काकरदेव नगर में वो अपना नर्सिंग होम चलाते हैं, जब प्रधानाचार्य ही नहीं रहेंगे तो यहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। और व्यवस्था में मैंने ये देखा कि जैसे तमाम मरीज जाते हैं रात को इमरजेंसी में तो कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ देने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, या तो जूनियर डॉक्टर या वार्ड बॉय या संविदा पे लगे कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते हैं, जिससे कि आए दिन इमरजेंसी में रात में डॉक्टरों और मरीजों के साथ मारपीट होती रहती है। मुझे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके थे, वो बांदा से हटाए हुए प्रिंसिपल हैं और उनको इस तरह की बचकना हरकत जिम्मेदार व्यक्ति होके नहीं करना चाहिए थे। अगर उन्होंने ये बचकना हरकत की है उसका वीडियो मेरे पास है, मैं इसकी भी उचित अधिकारियों के पास इस आए हुए जांच अधिकारी मुकेश यादव की जांच कराऊंगा, उनकी शिकायत भी ऊपर जाके करूंगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।